अपने चैनल टेक्नोलॉजी के आंसरों में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में टेली प्राइम से संबंधित कंपनी बनाना सीखेंगे। तो टेली प्राइम में कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करें। इसको ओपन करने के लिए आप अपने माउस से उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस करके और वहाँ पर टाइप सर्च बॉक्स में टाइप करें टेली प्राइम। जैसे ही टेली प्राइम आप सर्च करेंगे तो आपको टेली प्राइम का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आप ओपन पे क्लिक करें। ओपन पर क्लिक करने से आपका टेली प्राइम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ओपन हो जाएगा। पहले लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो आप अभी नए यूज़र हैं, टेली प्राइम सीख रहे हैं, अभी तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड लाइसेंस में जो टी ऑप्शन के आगे है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करें, या आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करें जिससे आपको वह ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको इसके अंदर कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है उसमें राइट साइड में एक ऐप टू का बटन है जो डेट चेंज करने के लिए, उसके नीचे है ऐप थ्री कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसको ओपन करने के लिए आप अपने माउस से या तो इस कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं जिससे वह ओपन हो जाएगा, या अपने कीबोर्ड से ऐप थ्री बटन प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको लिस्ट ऑफ कंपोजिशंस की एक लिस्ट दिखाई देगी, जिसके ऊपर ऊपरी ऊपर क्रिएट कंपनी, उसके नीचे अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है, तो क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक डिस्प्ले दिखाई देगी जिसको हम कंपनी क्रिएशन के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ऊपर कंपनी डेटा पाथ दिखाई दे रहा है जो आपके सामने है, उसके नीचे है कंपनी नेम। तो आप अपनी कंपनी का जो भी नाम रखना चाहते हैं वह यहाँ पे टाइप करें। जैसे हमने आज ट्रेडिंग कंपनी, यह हमारी कंपनी का नाम है, उसके नीचे है मेलिंग नेम और कंपनी नेम सेम होगा, उसके नीचे है एड्रेस, जो भी आपका अपनी कंपनी का एड्रेस है वह यहाँ पे टाइप करें। तो हमने भी हमारा एड्रेस टाइप कर लिया है, राज कॉलोनी स्टेशन रोड जयपुर। उसके बाद है स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वह यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे हमारा स्टेट है राजस्थान, तो यहाँ से राजस्थान को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्री ऑलरेडी टाइप रहेगी, उसके बाद अपने जो भी यहाँ के पिन कोड है वह टाइप करें, ठीक है। उसके बाद अपनी कंपनी के जो टेलीफोन नंबर है उनको यहाँ पे टाइप करें, और इसके नीचे ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फैक्स है आपका कोई, वह यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अपनी कोई ईमेल आईडी है। तो हमने यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी टाइप कर लिया, उसके नीचे है वेबसाइट। अगर आपने अपनी कंपनी से संबंधित कोई वेबसाइट बना रखी है तो उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम मतलब आपने कंपनी कब से स्टार्ट की है वह डेट यहाँ पे टाइप करें। जैसे को 2023 को कंपनी क्रिएट कर ली। उसके बाद में बुक्स बिगनिंग फ्रॉम,
मतलब आप अपनी कंपनी में एंट्री कब से शुरू कर रहे हैं? तो ये लगभग फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक बिगनिंग फ्रॉम की डेट सेम होगी। उसके बाद में सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के अंदर सेट टेली वैलिड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा, इसको हमेशा नो रखना है। उसके नीचे है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसके ऊपर आप यस करें। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये यस हो जाएगा। इसके नीचे आपको एक यूजर नेम का बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये सारे ऑप्शन है सिक्योरिटी के लिए, मतलब आप अपनी कंपनी को यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। तो यूजर नेम, सबसे पहले हम अपनी कंपनी को यूजर नेम देंगे, जैसे हमने राज हमारी कंपनी का यूजर नेम है। उसके नीचे है पासवर्ड, पासवर्ड जैसे हमने 123 हमारे पासवर्ड क्रिएट करी। उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड, तो कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड लगाने हैं जो आपने ऊपर लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद में इनेबल टेली ऑडिट फीचर्स को नो रखना है और डिसअलो ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड को भी नो रखना है। उसके बाद में नीचे आपको बेस करेंसी सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब आपकी कंट्री का जो सिंबल है वह यहाँ पे टाइप करें। अगर आपको किसी और सिंबल आपकी कंट्री का, तो आप अपने कीबोर्ड से वह टाइप कर सकते हैं। उसके नीचे है फॉर्मल नेम, अपनी कंट्री का जो फॉर्मल नेम है उसको यहाँ पे टाइप करें। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक एक्सेप्ट का बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे यस और नो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने कंपनी तैयार कर ली है तो इसके ऊपर यस करें, वरना नो करें। तो हमने हमारी कंपनी क्रिएट कर ली है, तो हम कीबोर्ड से वाइज प्रेस करेंगे तो ये हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई। अब हमें कंपनी लॉगिन का डिस्प्ले दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर कंपनी का नेम दिखाई दे रहा है राज ट्रेडिंग कंपनी, उसके नीचे है यूजर नेम और उसके नीचे है पासवर्ड। तो जो हमने कंपनी क्रिएट करते समय यूजर नेम और पासवर्ड लगाए थे उनको यहाँ पे दोबारा टाइप करना है। तो यूजर नेम हमने लगाया था राज और पासवर्ड लगाए थे 123। टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का बॉक्स दिखाई दे रहा है। इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, तो कंपनी हमारी राज ट्रेडिंग कंपनी। इसके अंदर आप जो भी ऑप्शन का यूज अभी लेना चाहते हैं उनको यस रखना है, बाकी को नो रखना है। तो हमने अभी तो कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो हमें किसी भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST है, इसको हम अभी नो रखेंगे। तो कीबोर्ड से वाई एन प्रेस करें और इंटर प्रेस करें तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद में इसको जो कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल की जो मैन स्क्रीन है इसको पूरी को एक्सेप्ट कराना है। तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल सेव हो गई है अपनी टेलीप्राइम के अंदर। अब अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ डिलीट करना चाहते हैं या अपनी कंपनी को एडिट करना चाहते हैं फिर से, तो आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करें। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करेंगे तो आपको वही विंडो वापस दिखाई दे रही है जिसमें हमने क्रिएट कंपनी का यूज सीख लिया है। कंपनी क्रिएट करना अभी आने लगा है। उसके बाद में नीचे अल्टर कंपनी, तो अल्टर कंपनी का यूज करने के लिए आप अल्टर कंपनी पे जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपको अपनी कंपनी अल्ट्रेशन का बॉक्स दिखाई दे। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें मोबाइल नंबर चेंज करने हैं तो मोबाइल नंबर के बॉक्स पे इंटर करें, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इंटर प्रेस करें और इस स्क्रीन को सेव करना है अभी, तो आप कंट्रोल
ऐसे एक्सेप्ट करें तो आपका कंपनी से हो गई। अगर आप अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसी अल्टर कंपनी पे इंटर करें और कीबोर्ड से अल्ट और डी को प्रेस करें तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है डिलीट का। अगर आप अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो यस करें वरना नो करें। तो हम अभी इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो अभी कीबोर्ड से एन प्रेस करेंगे। ठीक है, वापस यहाँ से बैक चलते हैं। उसके नीचे आया आपको सिलेक्ट कंपनी का एक बॉक्स, सिलेक्ट कंपनी। अगर आप अपने टेलीप्राइम में किसी दूसरी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं जो आपकी पहले से बनी हुई है कंपनी, तो आप सिलेक्ट कंपनी के ऊपर इंटर प्रेस करें तो आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। जितनी भी आपकी कंपनी है उनकी सारी यहाँ पे लिस्ट है। गणपति ऑटोमोबाइल्स को ओपन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर इंटर प्रेस करें। तो ये हमारी गणपति ऑटोमोबाइल्स कंपनी ओपन हो गई है। सेलेक्ट कंपनी का यूज पता लग गया है। उसके नीचे है सेट कंपनी। सेट कंपनी का यूज होता है कि टेलीप्राइम में अभी जो प्रेजेंट में कंपनी ओपन है उनमें से जिन भी कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं तो आप सेट कंपनी से उनको बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप सेट कंपनी के ऊपर इंटर करेंगे तो आप जितनी भी कंपनी अभी ओपन है उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे हमारी अभी दो कंपनी ओपन है, गणपति ऑटोमोबाइल्स और राज ट्रेवलर्स। राज पहली कंपनी गणपति ऑटोमोबाइल्स ओपन ही कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस करें वाई को, और नहीं करना चाहते हैं तो नो एन को प्रेस करें। तो हम अभी इसको बंद करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से वाई को प्रेस कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी बंद हो चुकी है, देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी। हमें अभी हमारी राज ट्रेडिंग कंपनी ओपन है जिसमें अभी तक कोई वाउचर एंट्री नहीं हुई है और जो करंट डेट है सैटरडे 2 अप्रैल 2022, और जो करंट पीरियड चलता है वह 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 तक है इस कंपनी का। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। अगर आपने अपने